अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आ गई हूँ लेके आलू का अचार, आलू मटर का अचार। तो चलिए आइए देखते हैं आलू मटर के अचार बनाने में क्या क्या चाहिए। ये मैंने 3 आलू उबाल लिए हैं और ये मटर है, मटर को छील लिए हैं। और यहाँ पे 1 गाजर है और 8 से 9 हरी मिर्च, उसे बीच में से कट कर लिया है। धनिया के पत्ते हैं, कट कर लिया है। आधी नींबू और ये है तीसी, 3 लहसुन की कलियाँ और नमक। हमें इतना ही चाहिए आलू के अचार की रेसिपी में। अब हम तीसी भूनेंगे। पहले सबसे पहले इसमें ऑयल ऑयल कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे ही भूनेंगे। हमारे तवा हीट हो गया है, लहसुन भी इसी में डाल दे रहे हैं। अच्छे से भूनेंगे और ये भून जाएगा तो ये कटकने लगेगा, सब फूटने लगेगा अच्छे से। जब अच्छे से भून जाएगा तब आप अच्छे से भूनिएगा, ये जल भी सकता है। मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा। देखिए गाइस कैसे ये चटक रहा है, अच्छे से भून रहा है। अब इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और ये सारा लगा है फूटने, देख रहे हैं गाइस सारा ये चटकने लगा है। अब इसे हम करेंगे बंद गैस को और इसे निकाल लेंगे। फिर से चूल्हे को करेंगे ऑन। ऑन करने के बाद थोड़ा सा रखेंगे ऑयल। अब इसमें भूनेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च, इसमें रखेंगे। अच्छे से भूनेंगे। हमारे मर्चा भून रहा है तब तक हम मिक्सी जार में रखेंगे इसे और ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, लहसुन और किसी को साथ में। इसमें पानी होनी कुछ भी नहीं रखना है, ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। ढक लिया, इसे एक बार चला देंगे नहीं तो मर्चा जलने लगेगा। और ये देखिए गाइस बहुत अच्छे से हमारे मर्चा फ्राई हो गया है, हरी मिर्च बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम गैस को करेंगे बंद। अब चलेंगे ये पीसने। अब देखते हैं गैस कैसा पीस के तैयार हुआ है। हाँ हो गया है रेडी, हमें ऐसे ही चाहिए। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। अब मर्चे को निकालेंगे, इसमें निकाल लेंगे, अच्छे से भुना गया है। अब फिर से गैस को ऑन करेंगे और ये मटर को भूनेंगे। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं ताकि बड़े ना हो जाए वीडियो। अब देखिए गाइस हमारे मटर अच्छे से भून गया है। अब हम इसे निकालेंगे, गैस को करेंगे बंद। इसमें निकाल लेंगे सारे मटर को, बहुत ही अच्छा इसमें भी कलर आ गया है, सारे भून गया है। अब चलते हैं बनाने। अब इस आलू में रखेंगे गाजर और हरी मिर्च और मटर को। अब ये भुना हुआ तीसी को इसी में डाल देंगे, इसमें रख दिए। अब रखेंगे ये कटी हुई धनिया के पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 चम्मच रख रही हूँ, और ये नींबू। अब इसे करेंगे मिक्स। और ये हमारे आलू के अचार बन के हो गया है तैयार।
और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।